नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। सीएम योगी ने सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर की बात, आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। बिजनौर में अद्विकता के साथ हुई मारपीट से नाराज वकीलों ने जजी चौराहे पर लगाया जाम। सूचना पर पहुंचे सीओ सिटी ने वकीलों को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाकर खुलवाया जाम। बिजनौर के भवानीपुर गांव में 20-25 युवक बाइकों पर सवार होकर गांव में पहुंचे और गाली गलौज कर तमंचे लहराते हुए की फायरिंग। मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा, तीन युवकों को दौड़कर पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस को सौंपा। बिजनौर के नूरपुर में एक युवक की मौत, परिजन युवक को मुरादाबाद ले गए थे जहां डॉक्टर ने उसे किया मृत घोषित। मुरादाबाद में पुलिस लाइन में पीस कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। इसमें डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी हेमराज मीना ने लोगों से कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाएं, कोई भी नई परंपरा न डाले और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ पर्व को मनाएं। अमरोहा शहर के संवेदनशील इलाके के मोहल्ला छंगा दरवाजा में आगामी त्योहारों के चलते में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च, साथ ही ड्रोन कैमरे से इलाके की कराई निगरानी। अमरोहा में तेंदुए ने बीलना गांव में 5 बकरियों को बनाया निशाना। 5 दिन पूर्व तेंदुआ इसी इलाके में सड़क पार करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ था कैद। नगीना द्वादशी का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया। जुलूस में ट्रैक्टर ट्राली में विभिन्न झांकियों, राधा कृष्ण शिव पार्वती की झांकी के कलाकार डीजे के साथ कर रहे थे नृत्य। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी ने सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बात की, आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। होली, शब ए बारात, रमजान, नवरोज, चौथ नवरात्रि, रामनवमी पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की बात कही और पुलिस बल फ्रंट पेट्रोलिंग जरूर करें, पीआरवी 112 एक्टिव रहे, अश्लील या फूहड़ गीत कतई न बजाए जाएं, धर्मस्थलों पर रंग न डाले जाएं। थाना सकिल, जिला रेंज, जोन मंडल स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाएं, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी कराएं, पीस कमेटी की बैठक कर लें, शांति और सौहार्द के लिए। सीएम योगी ने कहा कि आस्था का सम्मान होगा लेकिन अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी दिनों में कई त्योहार मनाए जाएंगे, कई जगहों पर शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। उल्लास और उमंग के इस विशेष पर्व पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है, हमें सतर्क सावधान रहना होगा। पिछले 6 सालों में प्रदेश में सभी धर्म संप्रदाय के त्योहारों के आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुए हैं, इसे आगे भी बनाए रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अफजलगढ़ काशीपुर मार्ग ग्राम बादीगढ़ के समीप कहरीपुर रोड स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी पर बाइक सवार रुपेश पुत्र हरकेश सिंह तथा एक ही बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति प्रियांश पुत्र खूब सिंह, दोनों एक ही बाइक पर बैठे कहरीपुर से पाइपलाइन का काम करके आ रहे थे। जैसे ही कहरीपुर रोड स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी के पास पहुंचे तभी रुपेश पुत्र हरकेश सिंह की बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बाइक पेड़ से टकराने के बाद दोनों बाइक सवार मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को राहगीरों व प्राइवेट एम्बुलेंस की मदद से सीएससी अफजलगढ़ लाया गया, जहां पर डॉक्टर रजनीश ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को गंभीर अवस्था को देखते हुए बिजनौर रेफर कर दिया।
अफजलगढ़ से इंतखाब हसन की रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस की सूझबूझ के चलते 10वीं क्लास के छात्र को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फेसबुक पर लाइव सुसाइड करने से बचा लिया। दरअसल आपको बता दें, धामपुर तहसील के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के जिकरीवाला में गले में फांसी का फंदा डाल एक किशोर फेसबुक पर लाइव हुआ। उसे मनाने के लिए मां तो नहीं आई, लेकिन पुलिस महज 5 मिनट में ही पहुंच गई। पुलिस को देख किशोर मौके से फरार हो गया। पैसा नहीं मिलने पर नाराज किशोर ने मां को डराने के लिए आत्महत्या का नाटक किया था, लेकिन पुलिस की सजगता से वह कुछ नहीं कर सका। फेसबुक पर लाइव आकर करीब 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाने की बात कही। इस लाइव वीडियो के बैकग्राउंड में किशोर ने मैनू माफ करिए मां मेरी गीत लगाया। इस लाइव वीडियो को पुलिस मुख्यालय पर देख लिया गया। पुलिस अफसरों की माने तो तुरंत ही फेसबुक के मुख्यालय पर संपर्क किया गया। फेसबुक के मुख्यालय ने पुलिस को इस फेसबुक यूजर का नाम और पता भी मुहैया करा दिया, जिसके बाद तुरंत ही डायल 112 के साथ अफजलगढ़ थाने को सूचना दी गई। अफजलगढ़ थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें बिजनौर पुलिस अफसरों से सूचना मिली थी कि गांव जिकरीवाला में एक किशोर फेसबुक पर लाइव आकर आत्महत्या कर रहा है, जिसके तुरंत बाद ही संबंधित चौकी पुलिस को मौके पर भेजा गया। थाना पुलिस भी गांव में पहुंच गई। पुलिस को देख किशोर फांसी लगाने के बजाय मौके से भाग गया। बताया गया कि किशोर अपनी मां से पैसे मांग रहा था। पैसा नहीं मिलने पर नाराज हुए किशोर ने फांसी लगाने का नाटक किया। उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने भी यह बात तस्दीक की है। 10वीं क्लास के छात्र मोहम्मद मोनिश ने बताया। क्या नाम है? मोहम्मद मोनिश। क्या मामला था? अम्मी रात चल रही थी, किससे लग रही थी, तो इन्हें डराने की वजह से ऐसी वीडियो बना दी थी, तो फेसबुक पर स्टोरी लगा दी थी, तो तभी डिलीट कर दी थी वो, तो पुलिस भी आ गई थी मौके पर, छानबीन करके समझा के चली थी। वहीं इस मामले में मां का कहना है। बताइए क्या नाम है आपका? संशोधन। क्या मामला था? ये जो लड़के फांसी का ड्रामा कर रहा था, ये मुझसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मुझे डरा रहा था, और 10वीं क्लास में पढ़ता है, जिससे कि मेरी माँ मुझसे प्यार करे और मेरी माँ मुझसे डर जावे, वैसे कोई ना कोई ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डरा रहा था। पुलिस पहुंची? पुलिस आई तो मैंने तो यही बात कही, हमसे पैसे मांगे, हम कहां से दे, मैं इसने ऐसे डरावा करा हमारे जो करके। उधर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया। विगत रात्रि में थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव से एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाने का प्रयास करते हुए एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया। फेसबुक मुख्यालय ने तत्काल उस यूजर की लोकेशन लेके हमारे सोशल मीडिया सेल जनपद बिजनौर को सूचित किया, जिस पर त्वरित कार्यवाही कराते हुए 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई और उस बच्चे की जान बचाई जा सकी। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। बिजनौर में अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट से नाराज वकीलों ने जजी चौराहे पर जाम लगा दिया। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर जजी परिसर में वकील इकट्ठा हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए सभी जजी चौक पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस को बैरिकेडिंग को सड़क के बीच में करके जाम लगा दिया। अधिवक्ता से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जाम की सूचना पर सीओ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी अनिल सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारी जजी में एक प्रैक्टिशनर लॉयर है नौशाद राजपूत, उनके कुछ क्लाइंट थे झलरी गांव के जी। उनका मुकदमा वगैरह उन्होंने कायम कराया था जी। उसमें कुछ बात हुई उनकी, उन लोगों से बात विवाद हुआ कुछ जी। वो लोग यहाँ पर जजी कैंपस में आए और नौशाद के साथ उन्होंने मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया। बाकायदा उसके चैम्बर पे आकर के उन्होंने उसके साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार किया।
जो कि बहुत गलत है, निंदनीय है। देखिए, अधिवक्ता समाज एक समाज का स्तंभ होता है और अधिवक्ता जो है समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अधिवक्ता के साथ इस तरह की हरकत होगी बहुत गलत है, बहुत गलत है। समाज का एक महत्वपूर्ण अंग अधिवक्ता है और उसका अपमान हो वो बहुत गलत है, निंदनीय है। अच्छा, जाम जो खुला है किस शर्त पे खुला है? ये इस आश्वासन पे खुला है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सारा अधिवक्ता समाज एक है, एकजुट हुआ हुआ है, सब अधिवक्ता के साथ है। अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी, अधिवक्ताओं के साथ कोई भी नाइंसाफी कभी भी होने नहीं दी जाएगी। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के भवानीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव में 20-25 युवक गांव में पहुंचे और जमकर गांव में हंगामा कर दहशत फैलाने लगे। सभी युवक गांव वालों के साथ गाली गलौज करने लगे, साथ ही गांव में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने लगे। हवाई फायरिंग व हंगामे की सूचना पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो कई युवक मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने 3 युवकों को बाइक सहित पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने युवकों की बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस 3 युवकों को बाइक सहित हिरासत में ले लिया और केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस मामले में मंडावर थाना अध्यक्ष का कहना है कि 3 युवकों को हिरासत में लिया है, मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। चांदपुर में रंग की एकादशी समिति द्वारा हर्षायलास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। रंगों एवं फूलों की हुई पूरे रास्ते वर्षा, जिसमें आधा दर्जन झांकी, डीजे सहित ढोल नगाड़े आकर्षण का केंद्र रहे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकादशी की शोभा यात्रा दया विहार कॉलोनी से गौशाला स्थित मंदिर में हवन एवं रुद्राभिषेक करके शुरू की गई। शोभा यात्रा मेन बाजार होते हुए मंडी कोटला फव्वारा चौक तथा ढाली बाजार से मोहल्ला कटारमल होते हुए शंकर मूर्ति पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कई स्थानों पर फूलों और फलों से स्वागत भी किया। जुलूस में हुरियरों ने होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ कपड़ा व्यवसाय अशोक कुमार अग्रवाल तथा तहसील प्रचारक पंकज कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर नारियल भी फोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। शोभा यात्रा में विकास कुमार शर्मा, सुधीर कुमार अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, चंदन माहेश्वरी, आंसू गोयल, पल्लव अग्रवाल, विकास गुप्ता सहित भारी संख्या में होली के हुरियारे मौजूद रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। नगीना में द्वादशी का जुलूस बड़े ही धूमधाम से निकाला गया, जिसमें हुरियारों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाला। SDM नगीना शैलेंद्र कुमार व पुलिस क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह तथा रविंद्र कुमार वशिष्ठ के नेतृत्व में समस्त थाना पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर मौजूद रहे। बड़ा मंदिर मुक्तेश्वर नाथ जी के प्रांगण में परंपरागत तरीके से हवन पूजा कर बड़े मंदिर से जुलूस का शुभारंभ किया गया। जुलूस का समापन रेलवे स्टेशन नगीना पर हुआ। जुलूस में ट्रैक्टर ट्राली में विभिन्न झांकियों राधा कृष्ण शिव पार्वती की झांकी के कलाकार डीजे के साथ नृत्य कर रहे थे। इस मौके पर होली कमेटी के सलिल अग्रवाल उर्फ बिट्टू साहू, हरि गोपाल, तरुण अग्रवाल, तलब गोयल, मंत्री दीपक अरोड़ा, कोषाध्यक्ष विनय अग्रवाल के अतिरिक्त गोपाल शर्मा, सभासद लवी मित्तल, सचिन शर्मा, केशव दीक्षित, नीरज बिश्नोई आदि उपस्थित रहे। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।